और यूपी से आइए बिहार का रुख करते हैं, जहां हाजीपुर सीट से आज एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। हाजीपुर सीट से चिराग के पिता रामविलास पासवान 8 बार सांसद रहे और यहीं से उनके नाम कई रिकॉर्ड भी बने। नामांकन से पहले भगवान की पूजा, पूजा खत्म हुई तो मां ने गले लगाकर चिराग को जीत का आशीर्वाद दिया। मां और बहनों ने टीका लगाया, फिर पूरे परिवार के साथ नामांकन के लिए निकले। हाजीपुर की सड़कों पर मानो समर्थकों का सैलाब था। सैकड़ों की भीड़ अपने नेता को देखने पहुंची थी। एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधिश्री भी चिराग पासवान के नामांकन को कवर करने के लिए हाजीपुर में मौजूद थी। मैं दरअसल उसी रथ पर खड़ी हूं जहां पर चिराग पासवान पहुंचेंगे और उसके बाद यहां से रोड शो करते हुए निकलेंगे। उनकी मां रीना पासवान नजर आ रही होंगी। और रीना जी कितनी खुश है? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या कहेंगे चिराग? आप खुद ही देख रही है, ये देखिए। चिराग, खुद को क्या आज आप अकेला महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल, अभी तक बाबा हाथ पकड़ कर लाते थे मुझे, आज पहली बार अकेले आ रहा हूँ नामांकन में, तो कमी महसूस होती है, पर बाबा की जगह है जिन्होंने उनकी कमी को महसूस होने नहीं दिया। क्या कितनी बड़ी चुनौती है इस सीट से खुद को साबित करना? मैं सिर्फ घर आया हूँ और घर वालों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं इसको, मेरे लिए संसदीय क्षेत्र कभी नहीं हो सकता, ये मेरा घर है, परिवार है और बस मैं सिर्फ आशीर्वाद लेने आया हूँ। माँ, तमाम लोग आपको सिर पर बिठा कर रखे हुए हैं और आज चाचा नहीं है साथ। होते तो मुझे अच्छा लगता, उनका भी आज आशीर्वाद मुझे मिलता तो मुझे अच्छा लगता। मैंने कोशिश की थी उनको फोन करने की, फोन नहीं उठाया, उन्होंने काट दिया, पर अगर आते तो अच्छा लगता। हाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान ने जीत के कई रिकॉर्ड बनाए। 1977 में 4 लाख और 1989 में एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।